खाने के चम्मच हम इसमें कोको कॉकरोच ऐड करेंगे। कोको 3 खाने के चम्मच हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 2.5 कप दूध लिया है हमने। यहाँ पे हम टेट्रा पैक का दूध यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे उबाला नहीं है। अगर आप खुला दूध इस्तेमाल करें तो आप इसे उबाल कर ठंडा कर लीजिएगा। 3 खाने के चम्मच हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम छान कर पैन में डाल देंगे ताकि किसी किस्म का कोई लम्स ना आए। चूल्हे को हमने मीडियम लो फ्लेम पर ऑन कर लिया है। अब हम चमचा चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने पसंद और जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 3 टेबलस्पून कुकिंग चॉकलेट। 2 खाने के चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम है ये। इसको लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम इसे मजीद पकाएंगे। 2 मिनट हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच मक्खन, 1 चाय का चम्मच वैनिला एसेंस ऐड करेंगे। बटर और वैनिला एसेंस ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट हमें इसे पकाना है। बटर से बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी हमारे चॉकलेट कस्टर्ड में। चॉकलेट कस्टर्ड रेडी है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। सर्विंग डिश में हमारे बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो कोई और प्लेन बिस्किट भी यूज कर सकते हैं। जो खाली जगह बची है उसमें भी हम छोटे पीसेस में बिस्किट्स रख देंगे। अब चॉकलेट कस्टर्ड ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके ठंडा कर लिया है। स्पैचुला की मदद से इसे सेट कर लेंगे हम कस्टर्ड को, पूरे में फैला देंगे। अब मारी बिस्किट की एक और लेयर लगाएंगे हम। बिस्किट्स अगर टूट भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरीके से लगाते जाएं, बस पूरे में हमें कवर करना है। दूसरी लेयर कंप्लीट हो चुकी है बिस्किट्स की। अब चॉकलेट कस्टर्ड ऐड करेंगे। बिस्किट्स की 3rd लेयर ऐड करेंगे। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर है। जितना भी हमारे चॉकलेट कस्टर्ड बचा है सब ऐड कर देंगे इसमें। जिस तरह से भी चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। हमने सेंटर में चेरी रख दी है, साथ ही व्हाइट चॉकलेट चिप्स रख दिए हैं सेंटर में। साइडों में हमने बचे हुए बिस्किट्स का चूरा ऐड कर दिया है। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट डेजर्ट रेडी है। अब हम इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए। हर रेसिपी को आसान अंदाज में अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।